एक्ट्रेस सारा अली खान से हाल में ही एनसीबी ने घंटों पूछताछ की। एनसीबी की पूछताछ के दौरान सारा ने सुशांत के साथ अपने रिलेशन के बारे में भी बात की। खबरों की माने तो सारा ने इस बात को कबूला कि वो सुशांत को डेट कर रही थी और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था। सारा ने एनसीबी को सुशांत से ब्रेकअप की वजह बताते हुए कहा कि सुशांत अपने इस रिलेशनशिप में लॉयल नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी पजेसिव रहा करते थे और चाहते थे कि वो यानी कि सारा अपने फिल्म मेकर को कन्विंस करे कि उनकी अगली फिल्म में उन्हें यानी कि सुशांत को ही साइन करे। एनसीबी द्वारा की गई पूछताछ के दौरान सारा अली खान ने बताया कि फरवरी 2018 में फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू हो गए थे। इतना ही नहीं, सारा सुशांत के साथ उनके मुंबई स्थित रेजिडेंस केपरी हाइट्स में भी साथ रहने के लिए चली गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि वो थाईलैंड ट्रिप पर भी सुशांत के साथ गई थी। इसी के साथ सारा ने एनसीबी को ये भी बताया कि वो सुशांत के लोनावला वाले फार्म हाउस पर भी कई बार जा चुकी है। ड्रग्स लेने की बात पर सारा अली खान ने एनसीबी को कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती, हालांकि उन्होंने सिगरेट के सेवन की बात स्वीकार की है। एक्ट्रेस ने ये भी खुलासा किया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सैमुअल हाउकिप ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सारा सुशांत के रिलेशन को लेकर कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि सुशांत और सारा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक इंटरव्यू में सैमुअल ने सारा और सुशांत के रिश्ते पर खुलकर बात करते हुए कहा था कि सारा भी दोस्त थी, हम सब साथ में घूमते थे, मैं उन पर ब्लेम नहीं लगा रहा क्योंकि किसी ने मुझे लिखित में नहीं दिया कि मैंने किसी के प्रेशर में ब्रेकअप कर लिया। सैमुअल ने बताया, मेरे टाइम पर सारा और सुशांत का ब्रेकअप हो गया, फिर रिया सुशांत की जिंदगी में आई थी, इसीलिए मुझे हमेशा लगा कि सारा के साथ उनकी बेहतर बॉन्डिंग थी। जैसा कि मैंने अपने पोस्ट में लिखा है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, दोनों को साथ देखकर लगता था कोई फिल्म हो, उनकी एनर्जी बहुत प्योर थी। वही सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद रिया को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। रिया अब भी जेल में ही है। रिया ने पूछताछ में 26 स्टार्स का नाम लिया है जिनमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम भी शामिल है। एनसीबी ने सभी से ड्रग्स के बारे में पूछताछ की। अब कहा जा रहा है कि एनसीबी इनके घर की तलाशी करेंगी। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि एनसीबी ने दीपिका, करिश्मा, रकुल और सिमोन खंबाटा के मोबाइल फोन को इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जब्त किया है। बता दें कि एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान ने फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में कदम रखा था और इस फिल्म में उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत थे। फिल्म में दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद भी किया था। खबरों की माने तो फिल्म के दौरान सारा अली खान और सुशांत के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी, जहां से एक खबर सुनने को मिलने लगी थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि सारा सुशांत ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।